कि ये जो मनुवादी विचारधारा है ये हमारे देश के लिए एक हानिकारक विचारधारा है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है और कई यूनिवर्सिटीज़ में जो अपने लोगों को वीसी बनाकर बिठाकर वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने का जो काम चल रहा है, इसके खिलाफ जो एकेडमिशियंस, जो इंटेलेक्चुअल जो मूवमेंट कर रहे हैं, इसकी ताइद में कर्नाटका प्रांत रहित संघ पूरी तरह से खड़ा है। जब से ये वीसी आया है और इससे पहले का भी जो वीसी यहाँ पे था, जिस तरीके से दलित और दलित स्टूडेंट्स को, ओबीसी स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को और फैकल्टीज को जो हरासमेंट और टॉर्चर कर रहे थे, ये सबको पता है और इसके खिलाफ इससे पहले के भी केसेस हुए जो ह्यूमन राइट्स तक जा चुके हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Al Hidayah Haji and Umrah Services, K36 Crown opposite ESIC Hospital, Surat Khazana, and by Maharaja Restaurant beside APFC Kaman Ganj. CU के Central University कलबुर्गी कड़गंज जो गुलबर्गा में Central University है, ये Central University में जिस तरीके से हिंदुत्व एजेंडा को लेकर काम किया जा रहा है और जो आरएसएस के टटुओं को बिठाकर हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, नफरत की राजनीति विचारधारा को गुलबर्गा के लोगों में जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम, कल्याण कर्नाटका रीजन में आरएसएस का हिंदुत्व एजेंडा फैलाकर यहाँ के भाईचारे को ख़त्म करने का काम जो यूनिवर्सिटी से चल रहा है, इसके खिलाफ कल्याण कर्नाटका रीजन के एकेडमिशियंस, राइटर्स, पोएट्स, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स, दलित संगठन के लीडर प्रोफेसर आर के उडगी, जनाब डीजी सागर साहब, मारुति गोखले साहब, कॉमरेड मीनाक्षी बाड़े, ये लोगों ने जो ऐलान किया था कि 11 तारीख को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पदयात्रा करके घेराव किया जाएगा, आरएसएस के कौमवादी कम्युनल एजेंडा के खिलाफ पदयात्रा करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का घेराव किया जाएगा, उसी के सॉलिडारिटी में, उसी के समर्थन में, उसी की ताईद करते हुए कर्नाटका प्रांत रहित संघ ने ये ऐलान किया है कि आज से हम पदयात्रा शुरू करेंगे गुलबर्गा बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के पास से। कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कड़गंची जो एकेडमिशियंस का काफिला, जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस का जो काफिला जो पदयात्रा कर रहा है, उनके साथ जुड़कर कल हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। अब ये देखिए कि जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने पहले ही कहा था कि ये जो मनुवादी विचारधारा है ये हमारे देश के लिए एक हानिकारक विचारधारा है। ये मनुवादी विचारधारा जातिवाद की राजनीति का आगम जो करती है और साथ ही साथ जो अभी हाल में देखने आया है, जिस तरीके से हिंदुत्व एजेंडा जो एक ब्राह्मणवाद, अपनी ब्राह्मणवादी राजनीति को जो चोला पिना के रखा है, उसको नाम दिया है हिंदुत्व। हिंदुत्व जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाकर जो आरएसएस जो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है और कई यूनिवर्सिटीज़ में जो अपने लोगों को वीसी बनाकर बिठाकर वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने का जो काम चल रहा है, इसके खिलाफ जो एकेडमिशियंस, जो इंटेलेक्चुअल जो मूवमेंट कर रहे हैं, इसकी ताइद में कर्नाटका प्रांत रहित संघ पूरी तरह से खड़ा है। अब जहाँ तक हम गुलबर्गा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो ये जो यहाँ पे वीसी है बट्टा सारे सत्यनारायण राव, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बट्टा बिठाने के लिए आया हुआ इंसान है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट इंडिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं, इनको जिस तरीके से लिंग्विस्टिक पोलराइजेशन के तहत टारगेट किया जा रहा है, जो बीजेपी का डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, धर्म के नाम पे बांटो, जाति के नाम पे बांटो, अब यहाँ तक हो गया कि लैंग्वेज के नाम पे बांटा जाएगा, लिंग्विस्टिक के नाम पे लिंग्विस्टिक पोलराइजेशन किया जाएगा। इसका एक नमूना मैं बता दूं, जैसे कि सबको पता है जब से ये वीसी आया है और इससे पहले का भी जो वीसी यहाँ पे था, जिस तरीके से दलित और दलित स्टूडेंट्स को, ओबीसी स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को और फैकल्टीज को जो हरासमेंट और टॉर्चर कर रहे थे, ये सबको पता है और इसके खिलाफ इससे पहले के भी केसेस हुए जो ह्यूमन राइट्स तक जा चुके हैं। तो हम यही कहते हैं कि ये वीसी जब तक रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बचने वाली नहीं है। जिस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सेपरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया जा रहा है, इसके खिलाफ हर इंसान को, हर प्रोग्रेसिव थिंकिंग नागरिक को उठना ज़रूरी है। जब तक ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम हमारा बचा है, तब तक ही हमारे देश में साइंटिफिक और इनोवेटिव एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो EVC कर रहा है, ये जिस तरीके से सुपरस्टिशियस अंधभक्त जिसे कहते हैं ना, अंधभक्ति जिसे कहा जाता है, उस तरीके की विचारधारा में लाकर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को कर्नलाइज कर रहा है। इसके खिलाफ जिस तरीके से संगठनों का मोर्चा खुला है, ये मोर्चा चलता रहेगा। और हमेशा से एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इंडियन हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। ये हमको अच्छे से समझना है, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा किस तरीके से बाबा साहब के अंबेडकर की विचारधारा को ख़त्म करने की राजनीति कर रही है, ये हमको समझना है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल जो कि पूरे मुल्क ने देख लिया, जो सबको पता है, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा एंटी दलित, एंटी आदिवासी, एंटी OBC, एंटी माइनॉरिटीज़ कैसे है। जब नया पार्लियामेंट का ओपनिंग हुआ तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो एक महिला हैं और एक आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये मनुवादी विचारधारा जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठी है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी टट्टू प्राय प्रधानमंत्री जो है RSS के, इन्होंने हमारे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, वो सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला है और आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये जाहिर होता है कि ये कितनी कट्टर एंटी दलित, एंटी आदिवासी, एंटी माइनॉरिटीज़, एंटी वुमेन विचारधारा की हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। हम ये यहाँ से बार बार चेतावनी दे रहे हैं, जितने आंदोलन अभी चल रहा है चलते रहेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब तक अपने प्रोग्रेसिव करिकुलम को मेंटेन नहीं करती है, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 लाके जो भगवाकरण करने का काम जो चल रहा है, ये नहीं रुकेगा। और जब तक वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो टारगेट किया जा रहा है उनके धर्म के नाम पे, उनके जाति के नाम पे, उनके रीजन के नाम पे, ये नहीं रुकता है, तब तक ये सारे संगठनों का आंदोलन चलता रहेगा। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अल हिदाया हज एंड उमरा सर्विसेज, K26 क्राउन अपोजिट ESIC हॉस्पिटल, सूरत खजाना, एंड बाय महाराजा रेस्टोरेंट बिसाइड APFC कमानगंज।